नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। सोनभद्र में योगी जी द्वारा आज जन विश्वास यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचे। हाइडील मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले वासियों को 514 करोड़ रुपए की सौगात दी। 250 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास एवं 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सरकार की योजनाओं का बखान किया। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे समृद्ध जिलों में से एक जनपद सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा आई है और साथ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी लाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व पूरे प्रदेश में ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला जनपद सोनभद्र स्वयं अंधेरे में रहता था। आज यहां बिजली के साथ साथ हर घर नल योजना के माध्यम से गाँव गाँव में पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भटकने न पाए उसको उपचार मिले, घर घर की ठोकर न खानी पड़े। पहले ही प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया था। अब सरकार ने तय किया है कि हर सभी को हम इस योजना का लाभ देंगे, यानी उन 6 करोड़ लोगों के साथ साथ 3.5 करोड़ श्रमिक भी इस योजना के साथ जुड़ेंगे। और सरकार आने वाले समय में आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोईया और जितने भी हमारे अन्य श्रमिक होंगे, स्ट्रीट वेंडर होंगे, इन सबको इस योजना के साथ जोड़ करके कोई भी व्यक्ति उपचार के लिए भटकेगा नहीं। सरकार जैसे में जैसे फ्री टेस्ट कर रही है, फ्री उपचार कर रही है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की व्यवस्था कर रही है, ऐसे ही हर प्रकार की बीमारी में उपचार के लिए उस प्रकार की सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। अगले 10 वर्षों तक उस योजना के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और यही नहीं, जो पेयजल मिलेगा या पेयजल भी आरओ का पानी होगा, केवल नाले और नदी का पानी नहीं, आरओ का पानी होगा। बोतल में बंद पानी से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपके घर में हर घर नल योजना से आने वाला पानी ज्यादा शुद्ध होगा। किसी भी बोतल बंद पानी से अच्छा पानी आपके घर में पहुंचाने की कार्रवाई केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार, गरीबों को उनका हक देने वाली सरकार, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आपके जनपद में और प्रदेश जनपद में पहुंचाने वाली सरकार, मेडिकल कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक हो या हॉस्पिटल के निर्माण को कार्य करने वाली सरकार। अभी को हम लोग सोनभद्र में वायु सेवा से भी जोड़ने वाले हैं। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए नेशन भारत न्यूज के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।